थर्ड टॉपिक इज साइटोप्लाज्म। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, तो थर्ड है हमारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक्चुअली क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुल मिलाकर एक ऐसी जगह है, ऐसी साइट है जहां पर सेल अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को चलाने के लिए उसमें रेस्पिरेशन, सांस भी लेना है, डाइजेशन भी होनी है, खाना भी खाना है, या खाने से जो एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, ब्लड सर्कुलेशन भी होगी, एक्सक्रीशन भी होगी, या नर्व कंट्रोल भी होगा। उसी तरह से जैसे बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस परफॉर्म होने जरूरी हैं, उसी तरह से एक सेल के अंदर भी स्पेसिफिकली सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर भी पर्टिकुलरली खाना डाइजेस्ट करने के लिए अलग से ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के डिवीजन के लिए अलग से ऑर्गेनेल्स हैं, या सेल के अंदर जो फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करना है उसके लिए अलग से ऑर्गेनेल्स हैं। कुल मिलाकर जो वो सारी ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो अपने सारे के सारे फंक्शंस अलग अलग ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज द साइट वेयर द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट विच परफॉर्म द मैनी फंक्शंस इन साइड द सेल। देन स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनेल्स, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं। फर्स्ट ऑर्गेनेल है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट ऑर्गेनेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस मतलब जो सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है, वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। या कुल मिला के हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी कहां से आती है, हर सेल के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को डाइजेशन के बाद ऑक्सीडेशन करके या उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी शेप की हो सकती है। इट मे बी राउंड, इट मे बी ओवल, इट मे बी एनी कप शेप। ये बाहर की एक आउटर मेम्ब्रेन है। इट इज मेड अप ऑफ द टू लेयर्स। आउटर इज अ स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन है जो इसकी स्मूथ लेयर है। इनर मेम्ब्रेन है जो इसकी इस तरह से फोल्डेड मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली साइड इसकी फोल्डेड, दो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसमें। आउटर इज द स्मूथ एंड इनर इज द फोल्डेड लेयर। जो ये फोल्डेड लेयर है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे इसका फोल्डेड, इन्हीं के ऊपर कहां छोटे छोटे एंजाइम्स, क्रिस्टे के अंदर जो है, यहां जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इनके अंदर छोटे छोटे हाइड्रोलिटिक या ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक या ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करते हैं, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होके सेल के अंदर आ जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद उस फूड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होने के बाद फूड की से एनर्जी जो निकलती है, वो निकलती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जब ऑक्सीडेशन होती है, तो उससे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी एक तरह से हमें एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में मिलती है, एनर्जी सेल से ही। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी बनते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं। जो फूड की ऑक्सीडेशन है, वो ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होती है। जो ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें क्रिस्टे मॉलिक्यूल के अंदर, क्रिस्टे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कुल मिला के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसकी जो शेप है, राउंड, ओवल, कप शेप कोई भी हो सकती है। नंबर ऑफ जो माइटोकॉन्ड्रिया है,
वो वेरी करते हैं सेल टू सेल, कोई फिक्स नंबर नहीं होते। जैसे किसी सेल में 2 या 3 माइटोकॉन्ड्रिया से लेके 100 से, और किसी सेल में 100 या 1000 माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकते हैं। जैसे जो हमारी किडनी है, किडनी के जो नेफ्रॉन सेल्स हैं उसमें 1000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। या जो हमारे ब्रेन है, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मली आरबीसी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, या जो हमारे बॉडी के सिंपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर सिंगल सिंगल या 2-3 माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुल मिला के सेल की टाइप के ऊपर बेस्ड है कि कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है। तो दीज आर द, जैसे यहाँ अगर मैं बनाऊँ इसकी लोकेशन, तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं रैंडमली, ऐसा कि ये इस तरह से यहाँ इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेनली फंक्शन क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन ये है कि इट एक्ट एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इट जो एग है, एग के अंदर जो योक बनता है येलो पार्ट एग का, उसको भी प्रोड्यूस करने में माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम है। जो सेल की रेस्पिरेशन है, एक सिंगल सेल की रेस्पिरेशन है, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया ही हेल्प करता है। तो कुल मिला के अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही काम नहीं करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, तो सेल की सारी के सारी जो फंक्शनिंग है वो बंद हो जाएगी। एक चीज और, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी ऑर्गेनेल है, सेल का एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर इसका अपना अलग आरएनए और अलग डीएनए होता है। इसका खुद का आरएनए और खुद का डीएनए होता है। कुल मिला के माइटोकॉन्ड्रिया का न्यूक्लियस के ऊपर या सेल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आरएनए से वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकती है, और डीएनए से माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब सेल डिवाइड करेगा, जब न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग ही माइटोकॉन्ड्रिया के भी नंबर 1 से 2, 2 से 4 या 4 से 8 इंक्रीज होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए से खुद रेप्लिकेट, खुद अपने नंबर इंक्रीज कर सकती है। यही एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए, डज नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? पहले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली न्यूक्लियस के पास कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इस तरह से फोल्डेड मेम्ब्रेन में इस तरह से किसी भी रफली फॉर्म में कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ दीज आर कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं, दीज आर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये फोल्डेड फॉर्म में होने का क्या पर्पज है? जैसे यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया फोल्डेड फॉर्म में थे, फोल्डेड लेयर होने की वजह से क्या होता है कि इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो फंक्शनिंग है सेल की वो फास्ट हो जाएगी। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज लोकेटिंग और विच इज अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे दो तरह का होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर इस तरह से छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। वो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? दीज आर द राइबोसोम्स। जब ये राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो इसके सरफेस को रफ बना देंगे, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जब इसके ऊपर
राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते तो तब उसको वो स्मूथ सरफेस होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस ऑफ द मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? एक तो जब इसमें राइबोसोम अटैच है तो राइबोसोम जहां भी अटैच होंगे, राइबोसोम में भी प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री बनाने में हेल्प, प्रोटीन सिंथेसिस करने में प्रोटीन फैक्ट्री होती है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प होता है, करते हैं। दूसरा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ग्लाइकोजन लिपोप्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं, सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ हॉर्मोन्स हैं या नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप के सेक्रेटरी हॉर्मोन्स हैं या जो एंजाइम्स हैं वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनते हैं। कुल मिला के प्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही सिंथेसाइज होती है। तीसरी ऑर्गेनेल इसके अंदर है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म में रफली भी प्रेजेंट कहीं भी मतलब स्कैटर हो सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच हैं जैसे। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है? राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम है, इसमें न्यूक्लियस के पास इस तरह से दो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं स्टार लाइक, दिस इज कॉल्ड एज अ सेंट्रोसोम। इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। इन सेंट्रोसोम का मेनली काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, कि सेल के अंदर जब सेल की डिवीजन होती है, जब एक से दो जब ग्रोथ होती है या रिपेयर होती है, तो ग्रोथ या रिपेयर के टाइम पे क्या होता है कि एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, इस तरह से सेल्स रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन वो सेल की रेप्लिकेशन है, वो जो डिवीजन है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट्रोसोम। और ये सेंट्रोसोम लोकेट कहाँ होते हैं? दीज आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। फिफ्थ ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, जिसका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज द स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से, या स्मॉल वेसिकल्स हैं, दीज आर द लाइसोसोम्स। दीज आर स्मॉल कप लाइक स्ट्रक्चर और दीज आर द स्मॉल वेसिकल्स। इनको हम सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जब भी वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल किस तरह से पास आउट होता है, या तो किडनी जो है लिक्विड फॉर्म में यूरिन के थ्रू पास आउट करती है, या सॉलिड फॉर्म में जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है तो एनस के थ्रू पास आउट होता है। उसी तरह से जो सेल है, सेल में भी डाइजेशन के बाद बहुत सारा डेब्रिस या वेस्ट मटेरियल होता है, या सेल के अंदर बहुत सी ऑर्गेनेल्स हैं जो टूटती हैं, तो टूटने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उनको सेल से बाहर निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करने से पॉइजन का जहर फैल जाएगा, इसी तरह से सेम प्रोसेस सेल के अंदर होगी। तो इसलिए उस डेब्रिस को, उस वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए एक ऑर्गेनेल सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम एक वेसिकल और एक बैग के फॉर्म में प्रेजेंट है। इस लाइसोसोम के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? वो सारा वेस्ट मटेरियल है, जो सेल का डेब्रिस है, वो सारा इस वेसिकल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम उनको हाइड्रोलाइज करेंगे, उनको ब्रेक डाउन करेंगे, एंड व्हेन इट जब ये कंप्लीट फिल हो जाएगा, इसके बाद इट विल गेट बस्ट। ये लाइसोसोम खुद ही बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने के बाद वो सारा मटेरियल जो है इट विल कम आउट। बस्ट कैसे होगा? ये क्या होगा कि लाइसोसोम जाके यहाँ
सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद यहाँ इस तरह से वेसिकल बनेगा। वेसिकल बनने के बाद जब इसमें ये यहाँ से बस्ट होगा तो ये लाइसोसोम खुद भी इसमें से बस्ट होकर इसकी मेम्ब्रेन बाहर फ्यूज हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो लाइसोसोम है इसमें जो सुसाइडल बैग है, इसको इसलिए सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसके साथ एक बार खुद भी बस्ट हो जाएगा, खुद भी इसमें खत्म हो जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग या स्क्वेंजर्स, स्क्वेंजर्स मतलब सफाई करने वाले ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक बार जब ये बस्ट हो जाता है, जब ये खत्म हो जाता है तो ये सेल का खुद का सिस्टम होता है कि लाइसोसोम ऑर्गेनेल को इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिंगल एक ही लाइसोसोम्स होते हैं, बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं और सारे एक ही टाइम पे बस्ट नहीं होते, कोई किसी टाइम पे, कोई किसी टाइम पे, इसलिए मतलब वो धीरे धीरे अपने आप इसमें सेल की पावर है कि उनको अपनी ऑर्गेनेल्स को दोबारा से रीजनरेट या रिपेयर करने की पावर वो रखता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स क्या है? माइक्रोसोम्स एक्सट्रीमली स्मॉल ग्लोबुलर बॉडीज, छोटी छोटी इस तरह से छोटी छोटी बॉडीज हैं, ग्लोबुलर बॉडीज हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। दीज आर द एक्सट्रीमली स्मॉल माइक्रोसोम्स ग्लोबुलर बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन साइड द सेल और विच आर प्रेजेंट इन साइड द साइटोप्लाज्म। इसके अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर और एक ग्रेनुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। सर माइक्रोसोम मेनली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज राइबोसोम एंड ग्रेनुलर मैट्रिक्स। राइबोसोम का काम पहले भी बहुत बार आ चुका है। राइबोसोम का मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और ग्रेनुलर मैट्रिक्स क्या है? ग्रेनुलर मैट्रिक्स मेनली बाकी जो मटेरियल है उसके अंदर इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम का वही है कि जो सेल का जो डेब्रिस मटेरियल है या सेल के अंदर कोई भी अगर ऑक्सीडेशन होती है, किसी भी चीज का कोई ब्रेकडाउन होता है तो वो एंजाइम इसमें माइक्रोसोम्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस एक कप शेप, इस तरह से कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं गोल्जी एपरेटस, इस तरह से दीज आर द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस इसका जो नाम है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा हुआ है। गोल्जी एपरेटस एक कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं। गोल्जी एपरेटस ही एक ऐसी ऑर्गेनेल है, जब हम कोई सपोज ड्रग्स यूज करते हैं, नारकोटिक्स जिसकी मैं बात करती हूँ, या सिंपल मेडिसन्स हैं, ओवरडोज अगर हम ड्रग यूज करते हैं, या कोई अगर हम पॉइजन लेते हैं, तो सेल के अंदर सबसे पहली जो ऑर्गेनेल है वो गोल्जी एपरेटस है, जो सबसे पहले पॉइजन की वजह से या हाई डोज ऑफ ड्रग की वजह से अफेक्ट। गोल्जी एपरेटस का मेनली फंक्शन क्या होता है? गोल्जी एपरेटस इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द वेरियस एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो सेल बनाता है, ठीक है, लेकिन वो जो स्टोर होते हैं सेल के अंदर वो गोल्जी एपरेटस में सेल स्टोर होते हैं। बहुत सारे लिपोप्रोटीन्स, बहुत सारे विटामिन्स, जिस तरह से एस्कॉर्बिक एसिड है, उन सबका एक जो स्टोर हाउस है दैट इज द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस उन सबके स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं कि वेरियस लिपोप्रोटीन्स, वेरियस हॉर्मोन्स, वेरियस एंजाइम्स, वेरियस विटामिन्स, दीज ऑल दे स्टोर्ड इन द गोल्जी एपरेटस एंड एनी हाई डोज ऑफ ड्रग और द पॉइजन इट विल फर्स्ट अफेक्ट द गोल्जी एपरेटस। So these are the main organelles of the cell which are present in the animal cell,
माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, माइक्रोसोम, गॉल्जी एपरेटस। सो सेल की ये सारी के सारी ऑर्गेनेल्स हैं जो मिलके फंक्शन करती हैं, तब ये सेल जो है सेल की एक सेल की कंप्लीट फंक्शनिंग जो है फंक्शन जो है कंप्लीट होता है। तो लेट अस रिपीट दीज ऑर्गेनेल्स वन बाय वन या कंप्लीट सेल वन बाय वन। फर्स्ट जो मेन फर्स्ट स्ट्रक्चर था दैट वाज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सबसे पहली बाहर की आउटर कवरिंग थी जो सेल को शेप देती है, सेल को बाकी चीजों से डिफरेंशिएट करती है। सेल मेम्ब्रेन मेनली प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड लेयर और कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीजों से बनी होती है, और जो सेल की सेल परमिएबिलिटी है वो भी सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही होती है। सेकेंड मेन ऑर्गेनेल्स के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो चीजें हैं। न्यूक्लियोलस जो है मेनली सेल का हेड है जो सारे सेल की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, और जो क्रोमाटिन मटेरियल है, क्रोमाटिन मटेरियल जो जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स हैं जो हमारे जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। तीसरी है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है जहाँ पे एक सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड के अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स हैं जो सारे मिलके एक सेल के फंक्शनिंग को कंप्लीट करती हैं। ऑर्गेनेल्स में फर्स्ट सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हमने बोला है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब है कि जो हम फूड खाते हैं वो फूड की जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेज एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिश्ते के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और वहां से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना आरएनए और अपना ही डीएनए अपना राइबोसोम और अपना ही डीएनए होता है, जिसकी वजह से अपनी प्रोटीन सिंथेसिस और अपनी रेप्लिकेशन ये खुद कर सकती है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ फोल्डेड फॉर्म में अटैच है, वेस्कुलर फॉर्म में। ये दो तरह की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका मेनली काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करना, लिपोप्रोटीन सिंथेसिस करना, ये सारे काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होता है और फ्रीली सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, जो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स मेनली हमें हमारी जो बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी जो सेल्स में अगर कोई टूट फूट हो जाती है रिपेयरिंग के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है इसमें सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सेल के पास प्रेजेंट होता है, जो सेंट्रोसोम जो मेनली सेल के डिवीजन के लिए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, मेनली सेल डिवीजन सेंट्रोसोम से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है इसमें लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं सोसाइटल बैग, स्केवेंजर ऑफ द सेल। जो सेल का जितना भी डेब्रिस है वो सारा का सारा या डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो इस वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाएगा। वहां पे कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो उनको ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद उस डेब्रिस को बाहर निकालेगा और खुद बस्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद सेल की पावर की वजह से जो लाइसोसोम है दोबारा से रीजनरेट। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेल है माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स के दो चीजों से स्मॉल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो राइबोसोम्स और ग्रैनुलर मैट्रिक्स। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस और ग्रैनुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर जो ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर कुछ कैटालेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन का और कैटालिसिस का काम करते हैं। इसके बाद है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया थी, गोल्जी एपरेटस एक कप शेप्ड है जिसको एक साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम गोल्जी एपरेटस रखा हुआ है। ये सबसे पहली ऑर्गेनेल है जो हाई डोज ऑफ ड्रग या पॉइजन की वजह से बॉडी में इफेक्ट होती है। सेल के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स, जितने भी विटामिन्स या एंजाइम्स बनते हैं वो सभी गोल्जी एपरेटस के अंदर ही स्टोर कर होते हैं। इसका मतलब गोल्जी एपरेटस इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो कुल मिला के दीज ऑल आर द ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। लास्ट टॉपिक इज द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल इन द बॉडी। कुल मिला के सेल हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करते हैं। सेल हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे आरबीसी सेल्स हैं। आरबीसी सेल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, दे हेल्प इन द ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन
Now last sub topic of this topic is function of the cell. तो सेल के हमारी बॉडी में डिफरेंट क्या फंक्शंस हुए, अगर हम सबसे छोटे सेल से स्टार्ट करें, फंक्शन ऑफ सेल की ब्लड ट्रांसफर में, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किया, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में हेल्प किया। WBC की बात करें तो WBC हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से हमारे फेगोसाइटिक सेल की तरह, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर हम न्यूरोन सेल्स की बात करें तो न्यूरोन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर सारा नर्वस कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अगर हम कार्डियक जो सेल्स हैं हमारे हार्ट के अंदर, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम लंग्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे एल्वियोलाई, जिनको हम सबसे छोटे या एल्वियोलस के जो बनाते हैं, वो मेनली हमारे बॉडी के रेस्पिरेशन में काम करते हैं। किडनी के जो सेल्स हैं, जो मेनली नेफ्रॉन्स हैं, वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कुल मिला के हमारी बॉडी का हर छोटे से छोटा फंक्शन या हर छोटे से छोटा मतलब सेल के ऊपर डिपेंडेंट है, और हर छोटे से छोटा सेल RBC से लेकर न्यूरोन तक वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। इस तरह से जो हमारे, तो ये प्रूफ है कि जो हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट इज द सेल। थैंक्स अगेन। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम टिश्यू का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। थैंक्स।